तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूँ टिकटॉक की एक और वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एक नेम आर्ट वाली वीडियो है, और अगर गाइस आप इस नेम आर्ट वाली वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में जाके इस वीडियो के जो से कमेंट्स है वो चेक करते हैं तो गाइस आपको यहाँ पे एक ही कमेंट्स जो है वो बार बार देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे हमारा नाम लिख दो या यहाँ पे आप ए लिख दो, एस लिख दो, आर लिख दो, इस तरह के गाइस काफ़ी सारे जो से कमेंट्स हो गए वो गाइस आपको देखने को मिलेंगे। अगर गाइस आप भी चाहते हैं कि आप इस तरीके की एक नेम आर्ट वाली वीडियो अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सके और टिकटॉक के ऊपर अपलोड करके काफ़ी सारे जो से लाइक्स और फॉरवर्ड जो से वो इंक्रीज कर सके तो गाइस ये मेरी वीडियो आपको इन तक लाजमी देखनी होगी। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने जो से अपना कैन मास्टर ओपन कर लेना और यहाँ पे गाइस जो से आपने लैंडस्केप से उसी स्क्रीन है वो गाइस आपने चूज़ कर लेनी है। चूज़ करने के बाद गाइस आपने मीडिया ब्राउजर के ऊपर जाके यहाँ पे गाइस एक बैकग्राउंड जो से वो आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद गाइस आपने इस बैकग्राउंड की जो सी लेयर उसको गाइस आपने थोड़ा सा भरा देना है। भराने के बाद गाइस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो लिंक दिया होगा वो गाइस आपने वीडियो डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैं गाइस लेयर ओमिटिस जाके वो वीडियो जो से वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो गाइस वीडियो जो से मैंने ऐड कर दी है उसके बाद गाइस आपने इस वीडियो को जो सा थोड़ा सा भरा लेना है, जिस तरह गाइस मैं यहाँ पे भरा लेता हूँ। भराने के बाद गाइस आपने लेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपने ओवरले वाले ऑप्शन के ऊपर जाके यहाँ पे गाइस आपने मोर के ऊपर क्लिक करके ये वाला जो सा इफेक्ट है ये गाइस आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपने इसमें से किसी एक दिल को जो सा चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले दिल को चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद गाइस आपने ओके के ऊपर क्लिक करके इस जो सा दिल का साइज़ जो सा इस वीडियो के मुताबिक कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद गाइस आपने इस दिल को जो सा पीछे की तरफ मूव करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से गाइस आपने इसको पीछे की तरफ मूव करना है। उसके बाद गाइस आपने की वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। की वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपने इस लेयर को जो सा थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है, जहाँ से जो गाइस कांच टूटता है वहाँ पर गाइस आपने इस वीडियो को रोक लेना है। रोकने के बाद गाइस आपने इस दिल को जो सा आगे की तरफ गाइस मूव करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से गाइस आपने इस दिल को जो सा आगे की तरफ मूव कर लेना है। मूव करने के बाद गाइस आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपने लेयर के ऊपर जाके यहाँ पे गाइस आपने टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे गाइस आपने अपना नाम जो सा वो लिख लेना है। तो जैसे कि मेरा नाम जो सा यू से स्टार्ट होता है तो गाइस मैं यहाँ पे यू लिख लेता हूँ। अगर गाइस आप अपना यहाँ पे पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो गाइस आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइस आपने इस यू का साइज जो सा थोड़ा सा भरा लेना है ताकि गाइस वो इस दिल के अंदर पूरा आ सके। तो यहाँ पे गाइस मैं कुछ इस तरीके से इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद गाइस जो सा यहाँ पे गाइस मैं एक फाउंड जो सा वो ऐड कर देता हूँ। फाउंड ऐड करने के बाद गाइस यहाँ पे जो सा मैं कलर है वो गाइस मैं येलो चूज़ कर देता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको गाइस मैं पूरी इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से गाइस मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट करने के बाद गाइस आपने इस यू वाली जो सी लेयर है इसको गाइस आपने पीछे की तरफ खींच देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाइस जो सा एक्स्ट्रा पार्ट होगा यू का वो गाइस आपने यहाँ से ट्रिम कर देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसको ट्रिम कर देता हूँ तो यू के जो सा पार्ट है उसको गाइस मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम करने के बाद गाइस आपने इस यू के साथ भी वही प्रोसेस करना है जिस तरह गाइस आपने दिल के साथ प्रोसेस किया था। तो इस यू को जो सा गाइस मैं पीछे की तरफ मूव करूँगा, इस तरीके से गाइस मैं इसको पीछे की तरफ मूव करूँगा कुछ इस तरीके से, ताकि गाइस ये थोड़ा सा आपने इसको बाहर रखना है ताकि गाइस आपकी एडिटिंग जो सी वो सही तरीके से हो सके। तो उसके बाद गाइस आपने ओवरले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपने जो सा है इसको रोक लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो सा डॉट है वहाँ पे गाइस आपने इस लेयर को रोक लेना है। उसके बाद गाइस आपने इस यू वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि आप क्लिक करेंगे इस की वाले ऑप्शन के ऊपर आपने आ जाना है। उसके बाद गाइस आपने इस यू को जो सा आगे की तरफ मूव करना है कुछ इस तरीके से, गाइस आपने आगे की तरफ इसको मूव कर देना है। मूव करने के बाद गाइस आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस जो सा एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको गाइस आपने यहाँ से ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद गाइस ये जो सा हमारी वीडियो है ये गाइस क्रिएट हो चुकी है। अब गाइस आपने इस वीडियो को जो सा एक्सपोर्ट कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको ये मेरी वीडियो जो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।